दोस्तों ये है पार्ट 9 माउंटेन किंग। Unbelievable. I thought they got rid of these things decades ago. Yeah, that's just the outside. The actual fortress is deep underneath the mountain. Yes, I understand, sir, but we'll need an additional 2 to 3 rounds of airstrikes. High altitude this time. We barely scratched. Not gonna happen. You're gonna have to take it by foot. Yes, sir. You hang in there, Sergeant. Of course, sir. They've got an ICBM in there with a huge nuclear warhead. We have no choice. हम जा रहे हैं आगे, no उनके पास जो है ICBM है, पहले से पड़ी हुई। उस ICBM को हमें डिस्ट्रॉय भी करना है। Welcome to Red Star Southern Russian. तो हमारे पास इधर हेलीकॉप्टर भी है, बट हम उसे यूज नहीं करने वाले क्योंकि इस गेम में उसके जो कंट्रोल्स हैं कुछ खास अच्छे नहीं और आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते, तो हम इसलिए टैंक यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास चार टैंक से आगे आप देखो तो यानी चार टारगेट, तो हमें जरा उस कब्जे में लेते हैं। छिपके मारेंगे। कौन मार रहा है भाई मुझे? मारी है ऐसी भाई, तीन टैंक है एक साथ इधर। अपनी टीम के बंदे को तो उड़ा दिया। बेवकूफ़ी ये है कि टैंक डिस्ट्रॉय होने के बाद बंदा नहीं मरता। अब हम दूसरे टैंक पे आ चुके हैं, इसी से कुछ करते हैं काम। पहले तो इसको उड़ा, ये तो गया, तो अभी दो और बाकी हैं। ये भी गया, एक बाकी है। अब कितनी शेलिंग हो रही है हमारे ऊपर, देखो कितने आसपास से जो है लॉन्चर्स और रॉकेट्स गुजर रहे हैं। बेटा कूद हो गया, ये तो गया। अब हमें टावर्स को बचाना है या सिक्योर करना है, इन्हीं सारे टावर जो डिफेंड करना है। सब पे रेड अलायंस का कब्जा किया हुआ है, सब पे हमें जो है अटैक करके इन सारी चीज़ों को सिक्योर करना है। आ जाओ बेटा मारो, अपनी सपोर्ट में और कोई नहीं आ रहा। कौन मार रहा है भाई इसको? दौड़ा ये आर्टिलरी वेपन है, ये तो गया। हमारे टैंक की हालत बहुत खराब है, कोई बंदा छूटे
आ जाओ। ये है एक दबाव ये ऊपर से पर ओ माय गॉड ये क्या नहीं मार रहा है इधर गोला दागना पड़ेगा खुद ही चलना पड़ेगा अब टैंक से निकलना पड़ेगा ऐसे नहीं मानने वाले वैसे भी एरिया सिक्योर करने के लिए हमें उतरना ही पड़ेगा ये तो गया मार रहा भाई यही है ना बेटा तू तो पैसे का ना सबकी पुंगी बजा दी रॉकेट लॉन्चर आग लगा दी उतरना पड़ेगा टैंक की हालत खराब है उसको क्या दिक्कत हो रही है बचने वाले नहीं है सब टैंक वाले से पंगा ले रहे हो ये छुपा हुआ है पता नहीं ये वाला जो है हम एरिया कैप्चर करते हैं थोड़ा इधर बंदे हो सकते हैं इसकी तो पूरी हो जाती है बेटा और आओ अब आ जाओ तुम्हारी लेता हूँ इसकी तो ले ली मैंने और कोई है बताओ ये भी है बड़े आसानी से रुक गए सिक्योर सेकंड टावर है हमें सेकंड टावर सिक्योर करना है अब इधर हमने एयर स्ट्राइक का तो मार्क कर दिया है बड़ा टाइम ले रहा है यार ये आएगा भी कि नहीं आएगा है कहाँ पे तो आवाजें तो सुनाई दे रही है देखिए क्या ये देखो उधर चार टेलरी बेवकूफ़ी बनती है भाई एयर स्ट्राइक कहीं और करना था हो गई मार रहा वाला टावर तो हम कैप्चर कर चुके हैं हम उस वाले टावर में चलते हैं ओ भाई से ये तो सामने सामने पड़ गए हैं चुपो चुपो कवर लो कवर 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 ओ भाई बाल बाल बचे
हार्ट बीट देखो कितनी तेज चल रही है। भाई कवर 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 कहाँ पे छुपा हुआ। जब मैं सबको मार लेता हूँ ना तो मेरे स्क्वाड आती है मौज लेने के लिए। कैप्चर कर लेते हैं और ये हमारे पास रॉकेट लॉन्चर मिल चुका है हमें। सिक्योर अपर फोर्ट्रेस। अब हमें ऊपर वाले फोर्ट्रेस को सिक्योर करना। उधर तीन टारगेट हो रहे हैं, पहले तो इसको उड़ाते हैं। ये टैंक बहुत कलेक्ट करने वाला है। तो मारी तो गई। ओए ये कौन था यार, ये अकेला बंदा इतनी दूर में जो है ना मरता नहीं है। वेस्ट हो गया। फायदा नहीं तो लगता है गोली से। चलो ये तो गया। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। टैंक ले लेते हैं। टैंक का अलग ही जलवा होता है। इतना छोटा है क्या? जैसे ही थोड़ा एरिया से बाहर निकलो ये बोल देता है कि भैया आप फिर से बाहर जा रहे हो। फिर अपने आप ही धीरे धीरे प्लेयर जो है ना उसकी डैमेज होने लगती है। मुझे इधर एरिया से निकलना पड़ेगा पता नहीं, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे मरूंगा। मजाक है। दस बंदे तो मारे होंगे। अब हम सिक्योरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सिक्योर हो चुका है। ये बंदा इधर ही बैठा हुआ था, इसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वेरी गुड। ऐसे से लोग मिले तो भैया मजा ही आ गया। भैया हटोगे सामने से तो ऊपर चढ़ूं मैं। तो कुछ नहीं है, मैं कैसे बचा दूसरे बेस की तरफ बढ़ना चाहिए। मरते बचाऊंगा। ये एक और जा रहा है। ये तो टैंक है भाई, दुश्मनों का
इसको उड़ाना पड़ेगा। यार चूक गया, बस दो दो लॉन्चर लग जाए ना सेट हो जाए बिल्कुल। ये बंदा तो गया, बचा हुआ है अभी, मेरे ख्याल से खत्म तो हो गया होगा। इसके ऊपर भी लॉन्च कर, मैंने दरिंदगी की हद पार कर दी। अब आ जाओ टैंक के अंदर, हूँ भाई कौन आएगा, इसके में इतनी औकात है। आवाज देखो भाई, लो उड़ा दी, नजर लग गई। पहले सामने वाले को करते हैं, चलते हैं। यार ये लोग पीछे से भी वार करते हैं। चलो हमारी स्क्वाड तो हमारे साथ है, पीछे से एक आ रहा है रॉकेट लॉन्चर लेता हुआ। आगे बढ़ते हैं, पहले इस बेस पे सारे रॉकेट लॉन्चर लेके ना टॉप पे ही बैठे होते हैं, बिल्कुल मौज ले रहे होते हैं, और नीचे गनर को बैठाया होता है। इधर मुसीबत होने वाली है, तो काफ़ी लोग आना पड़ेगा थोड़ा जल्दी से। भागो भागो भाई, छोटे कवर करना पड़ेगा, इनके बस की कुछ नहीं है। यार ये निकल गया बच्चे, उसने भी मुझे नहीं देखा, मैंने भी उसको नहीं देखा। ओ अभी तो डेमोलिशन चार्जेस लगाने पड़ेंगे, इसीलिए इसको इतनी सिक्योर करने पे लगे हुए थे ये। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा आर्मी हो ना समझ लो, वो उतना एरिया खतरनाक है। दो ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं और एनिमी एम्बुश, बहुत सही। अब इसको हमने उड़ाया, उनको दिक्कत हो गई, आ गए और आ रहे हैं तो आए, हमें क्या करना है। तो टैंक अजिया पाला करूंगा मैं सब, तो बहुत तुमने दो रॉकेट मारे हैं भाई मेरे को। राम मचा दूंगा, बता रहा हूँ यार, आग लगा दी। ये और आ रहा है इसकल, अबे इसकी डेड बॉडी कैसे घूम रही थी भाई ये। और बैंक इसमें ले ली, इसको उड़ाना पड़ेगा, छुप छुप के उड़ाना पड़ेगा। हर जगह से बंदा मारने को तैयार है। ये लोग पीछे से क्यों वार करते हैं, एक और बंदा बचा हुआ है अभी, ये रख छुपा हुआ है। ये यार हद हो गई, जब मैं मारने जाता हूँ किसी को वो छुप जाता है। ये फिर बच गया मेरे से,
रहे थे बजाते हैं नीचे। अब मुझे केवी के स्नाइपर मिल गया, अब देखो तमाशा। आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम लोग बहुत चर्बी चढ़ रही हो। ये लो कुछ दिनों, ये लो अब तुम्हें पता लग गया कि मेरा स्नाइपर है तो तुम चुकोगे। फिर ये चुक गया अभी है। कितने पास से रॉकेट निकला है भाई, ये तो गया, लिख लो। एक बंदा इधर पहले इसको उड़ाते हैं। भजिया पाला हो गया, गया। और छुपा बेटा, तो छुप नहीं सकते मुझसे तुम। कौन है ये? इधर एक बंदा आ रहा है, इसको मारना पड़ेगा। लॉन्चर लेकर आ रहा है, अब वो एरिया भी कैप्चर करना पड़ेगा सामने वाला। और फिर मेरे ख्याल से वो बेसमेंट वाले जगह हमें जाना है। चले बाबूजी, इधर फिर आ गया यार, ये खत्म नहीं होता क्या? लपेटे तो बहुतों को है। कवर कवर कवर, ये भी गया, ये भी गया। भाई रीलोड तो करने दिया करो यार तुम लोग। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो तुम लोग फायदा उठाते हो। इस एरिया को भी सिक्योर करना है, तो ये सिक्योर हो गया ऑलमोस्ट। एक ऑब्जेक्टिव बचा हुआ बस, स्नाइपर का मार मैं रहा हूँ। गॉट हिम वो बोल रहा है। कहाँ जा रहे बेटा तुम? इधर भी कुछ बंदे मिल सकते हैं। इधर कुछ भी नहीं है, उसी एरिया को कैप्चर करने जाकर। उधर इधर एक बंदा छुपा हुआ है। भाई मेरे स्क्वाड मेंबर्स आ जाओ मेरी हेल्प करने। ये देखो ऐसे तो मेरी बकिया उधेड़ देंगे। ये एरिया भी सिक्योर होने वाला है, हो गया। अब हमें सिक्योरिटी सिस्टम में जो है इन्फिल्ट्रेट करना है। मुझे लगता है वो एरिया ये है, हाँ यही एरिया है, इसी बेसमेंट में घुसना है।
The entrance is heavily guarded. Use your drones and other specialized equipment to help you. It's going to be a hornet's nest in there. And if you see Vo'Tipkov, well, you know what to do. और ये हमें डरा रहा है कि उधर बहुत सारे लोग हैं, जो भी वेपन हो, जो भी हथियार हो, उसको यूज़ करो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चाहे कुछ हो। तो हम अपना ये हथियार लेके जा रहे हैं, देखते हैं कितने स्मार्ट हैं। और ये वाकई में बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो भाई पंगे लेने सामने सामने, पहले स्नाइपर से जो है आसपास के लोगों को लपेटते हैं। दो को तो लपेट दिया, और कोई है? एक एक करके लपेटना पड़ेगा सबको। एक और गया, अरे यार एक और गया, दौड़ गया। टोटल हम शायद पांच मार चुके हैं अभी तक। ओके यार, ये तो ऑटोमेटिक रखा है ना ऊपर, और वो आर्मर्ड वाला है, तो ये इसका तो कुछ मैं फाड़ नहीं पाऊंगा। मुझे भाग लेना चाहिए बस। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, बोल रहे वी आर गुड हियर। ऑटोमेटिक वेपन जस्ट का दस और चीज हमें मिल गई, असॉल्ट राइफल। सामने जाके मुझे कुछ करना पड़ेगा। बहुत सार कर दी गोलियों में, एक मैगजीन खत्म, दो तीन मैगजीन ले जाएगा। हमारे दो मैगजीन खर्च हो गए केवल इसको डिस्ट्रॉय करने में। अंदर जाते हैं, देखते क्या है। ओहो आर्मर, मशीन गन लेके बैठा हुआ आर्मर, तो उड़ाना पड़ेगा रॉकेट लॉन्चर। एक डालते को भी क्यों छोड़ा है फिर, सही बात है। अब एसॉल्ट राइफल निकाल के धावा बोलते हैं। तो इसको सिक्योर करते हैं, हम हैकिंग डोर्स लॉक को हैक कर रहे हैं, और हम अब डोर लॉक्स को जो है हैक कर चुके हैं, तो अब दरवाज़ा खुलने वाला है। अच्छा ये दरवाज़ा बंद होगा तब वो खुलेगा, वेरी गुड भाई। और ये माउंटेन किंग का ही सेकंड पार्ट है, और हम अभी प्ले कर रहे हैं साउदर्न रशिया में। अभी भी हमारे पास एसॉल्ट ड्रोन है जिसका हमने यूज नहीं किया अभी, और ये एक्स्ट्रा एसॉल्ट ड्रोन हमारे पास आ गया। टाइगर बम भी आ गया, और रॉकेट लॉन्चर। चलो इसका भी इंतजाम करते
मतलब वो सही इन्फॉर्मेशन दी जिसमें उसने बताया था कि बंदे बहुत ज़्यादा हैं अंदर, पंगा लेना पड़ेगा। हर दो मिनट में इधर जो है मेरा बैकग्राउंड फेड हो रहा है भाई, निकल लो यहाँ से। नहीं तो ये मुझे छोड़ने वाला है। हर जगह से गोलियां चल रही हैं। ये ऑटोमेटिक वाला लगता है। चलो आगे टारगेट की तरफ। हमारे पास दो टारगेट हैं इधर राइट में भी है लेफ्ट में भी। पहले लेफ्ट वाले में मूव करते हैं। ये ऊपर वाले दोनों बंदे मर चुके हैं, एक तीसरा और बाकी है। ओ उसने मारा यार, तुम लोग जो है छुपन छुपाई खेल रहे हो क्या? ये हमारी है अब मैं इनके पीछे से मार रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ इनको। एरिया खाली हो चुका है। नहीं एक और बंदा है ऊपर, बहुत सही जगह पे बैठा हुआ है। जिसको पता है इधर ही आएगा कोई बंदा और डेमोलिशन चार्जेस लगाएगा, और अब हम इधर डेमो चार्जेस लगा रहे हैं। ये हमारा डेमोलिशन चार्ज लग चुका है। तो ये जो हमारा जनरेटर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरह आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना पड़ेगा, इनके बस की कुछ नहीं है। स्क्वाड उधर ही के उधर खड़े रहते हैं, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा वो भी आगे नहीं बढ़ता है। तो धीरे धीरे हमें पुश करना पड़ेगा इन लोगों को पीछे की तरफ। अब दो तीन जगह से इस पर अटैक करते हैं, तो एक तरीके से ये लोग जो है फिर जाएंगे। इसका तो मैंने जो है हेलमेट उछाल दिया, अब ये मान नहीं रहा है, तो अब हमें इसे रॉकेट लॉन्चर से करना पड़ेगा। ये देखो पूरा आपको हिडन था पहले, वो आपको सामने आ चुका है। छुपना पड़ेगा तो बस ट्रैवल लेके ऊपर हो जाए। अब आ जाओ तुम, तुझे ही तो मैंने आना हिट किया था। और एक ये तो मारते तो भाग कहाँ रहे, बड़े फुद्दू किस्म के। आ जाओ बेटा, अब तुम्हें बताता हूँ मैं। अबे तुम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं किया, मैंने ही किया वो, और हर बार बोलते हो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ये कहाँ भाग रहा है, ये सब चुप के। तो काफी भारी गोलाबारी हो रही है अंदर, उड़ाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानने वाले, इनको रॉकेट लॉन्चर से ही काम करना पड़ेगा।
पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। हमें असॉल्ट राइफल लेके अंदर घुसना पड़ेगा, जल्दी कुछ खास करनी पड़ने वाला। बंदों को पूरा ढूंढ दे फोंगी बजाऊंगा, लॉन्चर से खेलूंगा। आ जाओ जितने में दम ये बंदा गया। अब आगे बढ़ना पड़ेगा। छुपा हुआ जो मेरे को बहुत मार रहा है, बहुत तगड़ी वाली डैमेज। ये गया और कौन है? तो इधर हमें डेमोलिशन चार्जेस लगाने हैं। और जब तक कट लेंगे बोल रहा है ये हमें कैप्चर कंट्रोल रूम एंड डेटा कोर। अब इसका रास्ता कहाँ से आएगा वो भी देखते हैं। मतलब इससे भी अब बेसमेंट, इसके नीचे भी एक और बेसमेंट है। अच्छा तो हमें नीचे जाके ICBM जो लॉन्च होने वाली है ना उसको रोकना है। तो ये पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी है जिसमें ICBM और अलग अलग वेपन्स को लॉन्च करने की। देखो अब इधर पूरा जो है बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो गया, मतलब इधर भागकर लड़ाई होने वाली। आ जाओ भाई लो, तुम लोग आगे नहीं जाते हो यार, मैं ही पीछे रहता हूँ, सपोर्ट करते हो मैं। चलो कोई बात नहीं, भाई अकेले देख लेगा। इसके तो टकले में लगी है टायर। स्क्वाड का वेट करता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। गलती से अपनी बंदे को मार भाई भाग न करो। दो बंदे को तो खेल सकते हैं, तीन चार अंदर चल के ही धुलाई करनी पड़ेगी। दो बंदे इधर और ढेर हो गए, पीछे से जाते हैं। मैं आगे आऊंगा तो स्क्वाड भी आ ही जाएगा। यार इसके बाद शॉटगन है, एक बार में मामला खत्म कर दूंगा। गोलियां खत्म, शिट। गोलियां लेनी पड़ेगी इधर। चला रहा है। आ
अभी ना असॉल्ट राइफल, अब बताता हूँ मैं तेरे को। ये तो गया, अब इसको भी सिक्योर करते हैं। अब हम डेटा कोर कैप्चर कर चुके हैं, यानी डेटा कोर को हम सिक्योर कर चुके हैं। इंफिल्ट्रेशन हो चुकी है हमारी, अब जाके हमें ICBM जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको लॉन्च होने से पहले रोकना है। देखते हैं कि रोक पाते हैं कि नहीं, या कुछ अलग ही सीन चल रहा हो इनके अंदर। कहाँ पे छुपे हो भाई लोग? इधर ज्यादा बंदे हैं नहीं मेरे हिसाब से, दो तीन होंगे, लेकिन आगे से खतरनाक होने वाले। हर तरफ से एक आध बंदे आ रहे हैं। कहाँ भाग रहे भैया? ओ भाई हमें भागना पड़ेगा, अब हमें भागना पड़ेगा। लॉन्च कंप्यूटर में इंफिल्ट्रेट करते हैं, जहाँ से हम लॉन्च का वो कमांड कर सकते हैं। अब हमने लॉन्च स्टॉप लॉन्च सिस्टम जो है स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से मिसाइलें रुक जाएंगी। बट ये बोल रहा है कि जो तुमने लॉन्च को डाले थे उसकी वजह से मिसाइल रुका नहीं है, अभी भी वो लॉन्च होने वाला है। तो अब हमें खुद जाके जो है रोकना है, और हमारे पास टाइम बहुत कम है। और जब हम रोकने जा रहे हैं तो अब हमारे पास पूरी आर्मी इंफिल्ट्रेट कर रही है, हमें आ रही है रोकनी, पूरी इनकी इंफिल्ट्री लगा दी। ये बहुत हार्ड होने वाला है, ये देखो हर जगह से बंदे बन जा रहे हैं। चलो मेरी हेल्थ तो वापस आ गई है, मुझे लगता है सामने जाकर। लॉन्चर मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना। आर्मर तो गया, अब थोड़ा हम लोग सेफ हैं। बहुत सारे बंदे हैं यार, इधर 1300 टाइम्स कोशिश में तो लगे हुए हैं कहीं मिसाइल लॉन्च ना हो जाए। बट इसमें एक दिक्कत है कि इसमें जो जिस भी हम एनिमी को मारते हैं ना, तो उसका हम गन नहीं ले सकते। Yeah.
सारे बंदे अगर जल्दी जल्दी आएंगे तो मैं कैसे मारूंगा। स्क्वाड मेरी जो है ना नल्ले स्क्वाड है, किसी काम के नहीं है। इसको तो मैंने बहुत फास्ट से ठोका है। ज्यादा खुश हो रही है, आता है भाग जाता है। तो ले गया मैं। एक लॉन्चर उधर फेंकने की जरूरत है बस, एक और लॉन्चर मारना पड़ेगा। मुझे सामने जाके जो है थोड़ा एसॉल्ट राइफल का यूज करना पड़ेगा। तो भाई ये तो बहुत गोलीबारी कर रहा है, हमारे भी लगता है बहुत ज़्यादा स्क्वाड जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये डेड हो चुके हैं। ये तो मर गए, मैं क्या दिक्कत दुक्का हूँ। रुक के बैठे हुए हैं ऐसे पता नहीं कैसे। भाई ऊपर चढ़ो ऊपर, मिसाइल लॉन्च रोकनी है। तो एबॉर्टिंग लॉन्च सीक्वेंस, हम लॉन्च सीक्वेंस को जो है रोकने वाले हैं। अब हमने ओवरराइड तो कर दिया, लॉन्च सीक्वेंस भी स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी जो है ये मिसाइल रुकने वाली नहीं है। तो अब हमें इधर से फटाफट भागना पड़ेगा। तो ये हमें ऑर्डर मिल चुका है कि भैया इधर से निकलो, अब मामला हमारे बस से निकल चुका है। अब वो मिसाइल उधर ही फट गई फैसिलिटी में, प्रोडक्शन फैसिलिटी में, और जितने बंदे उधर थे वो भी खत्म। कुछ एक आध बचे होंगे तो बचे होंगे। He's a stray dog. Always was, always will be. अब ये सांत्वना दे रहे हैं कि स्ट्रे डॉग जो है बहुत अच्छी टीम थी और हमेशा रहेगी।